उत्तरकाशी सुरंग में फंसे रोहतास के तिलौथू प्रखंड के चंदपुरा गांव निवासी सुशील शर्मा को सकुशल बचा लिया गया है। घर पर सकुशल होने की खबर मिलते ही खुशी का माहौल है। सुशील के पिता रामदेव शर्मा और पत्नी गुड़िया देवी ने रेस्क्यू टीम और उत्तराखंड सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। हम लोग को बहुत खुशी हुआ कि इसी से बाहर निकल गए हैं। सबको धन्यवाद हम करते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, सबको धन्यवाद हम करते हैं कि सभी वर्कर निकल गए हैं। ऐसे खुशी और क्या चाहिए, नया जन्म दे दिए। एक 17 दिन से फंसे थे, 17 दिन फंसे हुए थे। 17 दिन कैसे गुजरा आप लोगों के? 17 दिन हम लोग के कैसे गुजरा हम ही लोग भगवान जानते हैं। अब क्या बात हुई है सुशील से? हाँ, सुशील जी से बात हुई है। बहुत खुशी की बात है, सामना सामनी बात हुआ है। कब आने के बारे में? आने के लिए कहा है कि 2-4 रोज में हम लोग आ जाएंगे घर पर। हॉस्पिटल में अभी हम लोग हैं, 2-4 रोज में हम लोग आ जाएंगे। सुशील रोजी रोटी कमाने के लिए उत्तराखंड गया था। वो अचानक 40 मजदूरों के साथ सुरंग में फंस गया। इसके बाद घर में मातम छा गया। वहीं सुरंग से बाहर आने की खबर मिलने के बाद घर में खुशियां छा गईं। कहेंगे तो सब कोई अच्छा से निकल गए, बहुत खुशी का बात है, सब लोग बढ़िया से निकल गए। 17 दिन से वो लोग वहाँ पे टनल में फंसे हुए, उसकी जानकारी आप लोगों को कैसे मिली? जानकारी 12 तारीख को मिली तो बहुत दुख हुआ, तो कैसे फंस गए वहाँ पर टनल में। 15 से 17 दिन कैसे कटा? वही रोग आकर कटा, घर में बहुत पूरा आदमी रोत धोत रहे। अब कैसा महसूस हो रहा है कल के बाद जब मिल गई खबर? कल के बाद बाहर आ गए, खुशी हुई था, बहुत खुशी हुई था। बाहर सब कोई निकल गए, बढ़िया से बातचीत हुई। आने का कोई डेट पता चला कि कब आएंगे? अभी तो ना पता चला, अभी कह दे हॉस्पिटल में बानी, अब 2 दिन के बाद ही मालूम चले। बच्चे खुश हैं काफी, पापा निकल गए? हाँ, बच्चे खुश हैं। बता दें कि सुशील पिछले 10 सालों से उसी कंपनी में हाइड्रा चालक के तौर पर काम कर रहा है और पिछले 11 महीनों से वो अपने घर नहीं आया था। उसने वादा किया था कि दीपावली और छठ पर्व में वापस आएगा, लेकिन उससे पहले ही सुशील टनल में फंस गया। रोहतास से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।